फ्रेंड्स, वेलकम इन नेक्स्ट नाइन लाइफ। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त चित्रा। स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ में। दोस्तों, जहां इन दिनों चल रहा है वेडिंग सीजन, तो वहीं आम लोगों की जिंदगी के साथ साथ हमारे बी टाउन में भी एक के बाद एक हो रही है वेडिंग, तो वहीं कुछ की आ रही है खबरें। बताना चाहेंगे आप सभी को कि जहां दीपवीर यानी एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह अभी कुछ दिनों बाद ही शादी के बंधन में बंधे जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस भी जल्द ही शादी करने वाले हैं। बता दें कि अब इस वेडिंग सीजन में इन दोनों ही स्टार्स की शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि जहां बीते ही दिन दीपिका की कुछ तस्वीरें आई सामने, जिसमें अपने वो शादी की कुछ रस्मों को पूरा करती नजर आई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हाल ही में प्रियंका चोपड़ा का ब्राइडल शावर किया गया। साफ तौर पर जाहिर है कि इस वेडिंग सीजन में इन दोनों ही स्टार्स की शादी की रस्में शुरू हो चुकी है। साफ तौर पर जाहिर है कि बी टाउन में अब जल्द ही बजने वाली है दोनों की शादी की शहनाई। चलिए दोस्तों, दिखाते हैं आज आपको इस खास प्रोग्राम के जरिए इनकी वेडिंग की ये तैयारियां। दोस्तों, इन दिनों जहां देश में त्योहारों का सीजन चल रहा है, जहां दशहरा के बाद दिवाली की हो रही है तैयारियां, तो वही बता दें दूसरी तरफ की दिवाली सीजन इन दिनों चल रहा है, जहां अब हर किसी के घर पर शादी तो जरूर होगी। अब हर कोई शादियों में बिजी तो जरूर होगा। तो वही बता दें कि सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि हमारे बॉलीवुड सितारों भी इन दिनों अपनी शादी की रस्मों में व्यस्त नजर आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज आप सभी के सामने दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा के बारे में। बता दें कि जहां दीपिका पादुकोण इस बात को अनाउंसमेंट कर चुकी है कि वो आने वाले 14 और 15 नवंबर को रणवीर संग साथ मिलेगी, तो वहीं अभी भी फैंस को है इंतजार प्रियंका और उनकी शादी की डेट का। वह अगर देखा जाए तो जहां दीपिका और रणवीर को पिछले काफी समय से एक दूसरे के साथ देखा जा रहा था, इन दोनों को काफी पसंद भी किया गया, और कहीं ना कहीं यही वजह है कि जब जब इन दोनों को किसी फिल्म में एक साथ देखा गया, दर्शकों ने इन्हें बेहद प्यार दिया। असल जिंदगी में इन दोनों को एक कपल के तौर पर देखना फैंस के लिए काफी बड़ी खुशखबरी रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका ने, जहां लोगों को इस बात की उम्मीद भी नहीं थी कि प्रियंका चोपड़ा एक विदेशी सिंगर के साथ शादी करेंगी, वहीं उनके फैंस इस बात से काफी खुश है कि वाकई प्रियंका को भी अपना जीवन साथी मिल चुका है। अब भले ही वो उनसे उम्र में छोटे हों, लेकिन उनका प्यार किसी उम्र का मोहताज नहीं है। वही बता दें कि अब बी टाउन में शादियों का सीजन चल चुका है। दीपिका जो जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाली है, अब बीते ही दिन वो पहुंची है अपनी शादी की रस्मों को शुरू करने के लिए। दरअसल बताना चाहेंगे आप सभी को कि दीपिका पादुकोण बीते ही दिन अपनी शादी की रस्मों को पूरा करने के लिए पहुंची है और मंदिर में वो देवी के दर्शन करने के लिए। वही दूसरी तरफ बीते ही कुछ समय पहले प्रियंका चोपड़ा का ब्राइडल शावर हुआ विदेश में। तो यहाँ जहाँ विदेशी सिंगर से होकर नहीं थी शादी, तो उसी तरह से जहाँ निकली अपने इंडियन देसी रीति रिवाजों से प्रियंका से सगाई और डोकरा की रस्में पूरी की, उसी तरह से प्रियंका भी अपने होने वाले पति की सभी परंपराओं को मानते हुए हर रस्म को पूरा कर रही है। और कुछ समय पहले ही उनके ब्राइडल शॉवर की तस्वीरें आई सामने, जिसे आप खास रिपोर्ट के जरिए देख ही पा रही होंगी। वहीं अगर देखा जाए तो दीपिका जो कुछ दिन बाद ही शादी के बंधन में बनेगी, अब उनके घर पर हो चुका है शादी का जश्न शुरू। जहाँ भी कई दिन से उतर चुकी है तैयारियां, तो वही अब हर दिन उनका एक नया अवतार भी सामने आने वाला है। लेकिन सबसे ज्यादा फैंस को है जिस बात का इंतजार, वो है दीपिका के दुल्हन अवतार आने का। जी हाँ, ये बात सब जानते हैं कि दीपिका जब जब ट्रेडिशनल अवतार में नजर आई, फैंस ने इन्हें खूब प्यार दिया है, हमेशा ही फैंस की चहेती रही है। अब जहाँ फिल्मों में इन्हें एक से एक बढ़कर रंगों में देखा गया, एक से बढ़कर एक ट्रेडिशनल अवतार में देखा गया, लेकिन अब फ्रेंड्स ये देखना चाहते हैं कि अपनी शादी पर क्या कुछ नया पहनने वाली है दीपिका। हालांकि अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है, तो ये आने वाला समय बताएगा कि दीपिका किस कलर का लहंगा पहनती है और क्या कुछ नया करती है। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका चोपड़ा, जिनकी शादी को लेकर तमाम खबरें आ रही है, अब दीपिका जहाँ शादी की तैयारियां शुरू कर चुकी है और शादी की डेट अनाउंस कर चुकी है, वहीं प्रियंका भी शादी की तैयारियां तो शुरू कर चुकी है, लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी डेट अनाउंस नहीं की। वही बता दें कि जहां प्रियंका की शादी को लेकर तमाम खबरें सामने आ रही हैं, उन्हीं में से एक ये है
दोनों ही रीति रिवाजों के साथ शादी करेगी, यानी वो जहाँ देसी दुल्हन बनेगी, यानी जहाँ इंडियन रीति रिवाजों के साथ वो लाल रंग के जोड़े के साथ पेड़े नहीं देखती सब, वही दूसरी तरफ वो दिक्कत परंपराओं के साथ ही एक क्रिश्चियन दुल्हन बनकर बनाएगी। तो ये बात तो साफ हो चुकी है हाल ही में जब उनका ब्राइडल शावर हुआ। इस दौरान प्रियंका व्हाइट कलर के गाउन पहन बेहद खूबसूरत नजर आई और अपने ब्राइडल शावर पर उन्होंने खूब मस्ती की। ये तस्वीरें उन्होंने खुद ही सोशल मीडिया के साथ साझा की जिसमें वो काफी खूबसूरत लगी, तो वहीं अपनी सास और अपनी माँ के साथ उन्होंने काफी मस्ती की। लेकिन इस दौरान प्रियंका के ड्रेस और कलर के सबसे ज्यादा चर्चे थे, जिनकी कीमत आपके भी होश उड़ा दी कि प्रियंका चोपड़ा ने जो गाउन पहना था वो कम से कम 4.4 लाख का बताया था, वही उन्होंने जो ज्वेलरी पहनी वो करोड़ों की कीमत है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, यानी प्रियंका जो ब्राइडल शावर में करोड़ों की तैयार हुई है, अब फैंस को इंतजार इस बात का कि आखिरकार अपनी शादी पर वो क्या कुछ तैयार करने वाली है। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, प्रियंका को पिछले कुछ समय से उनकी शादी को लेकर लगातार ही खबरों में देखा जा रहा है। तो वही बता दें कि हाल ही में वो अपने ब्राइडल शावर को लेकर खबरों में बनी हुई थी। अब हाल ही में उनके ड्रेस और नेकलेस की कीमत सामने आई है, इसे जानने के बाद आपको भी होश उड़ जाएगी। बता दें प्रियंका ने जो ड्रेस पहनी थी उसकी कीमत 4.4 लाख रुपए बताई गई, तो वही उन्होंने जो नेकलेस कैरी किया था उसकी कीमत करीब $1 बिलियन यानी 7.27 करोड़ रुपए है। इसके अलावा प्रियंका ने अपनी एंगेजमेंट रिंग भी पहनी हुई थी जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए है। प्रियंका ने अपने ब्राइडल शावर में 2 गहने पहने थे, उसकी कुल कीमत करीब 9.5 करोड़ आती जा रही है। वाकई कहना पड़ेगा कि प्रियंका के ड्रेसेस और उनके ज्वेलरी की कीमत जानकर हर किसी की होश उड़ने वाले हैं। देखा आप सभी ने हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में कि दीपिका जहां बीते ही दिन अपनी शादी की रस्मों को शुरू कर चुकी है, अब जहां ट्रेडिशनल अवतार में दीपिका हमेशा ही खूबसूरत नजर आती है, वहीं इस बार भी वो काफी खूबसूरत नजर आई है जिसे आप तस्वीरों के जरिए देख ही चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा जो क्रिश्चियन दुल्हन बन चुकी है, दरअसल उन्होंने अपना ब्राइडल शावर कराया और इस दौरान वो काफी खूबसूरत नजर आई। वहीं हम उनके ड्रेसेस उनकी ज्वेलरी से भी आपको रूबरू करा चुके हैं कि आखिरकार दीपिका ने कितनी महंगी ड्रेसेस पहनी। तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका की ड्रेसेस के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं कि अपने ब्राइडल शावर के दौरान वो कितनी महंगी ड्रेसेस और ज्वेलरी में नजर आई। दोस्तों अब अगर देखा जाए तो जल्द ही बीटाउन में दोनों की शादी की शहनाई बजने वाली है, जिसका फैंस कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार, क्योंकि हमेशा ही दीपिका और प्रियंका ने अपने फैंस के दिल में एक अच्छी खासी जगह बनाई है। और फैंस यही चाहते हैं कि जहां दीपिका अपनी शादी की डेट अनाउंस कर चुकी हैं, तो वहीं प्रियंका भी जल्द ही अपनी शादी की डेट बता दे, क्योंकि फैंस से नहीं हो रहा है इंतजार इन्हें दुल्हन बनते देखने का। जल्द ही फैंस देखना चाहते हैं इन्हें शादी के जोड़े में। वेल अभी ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि प्रियंका कितनी जल्दी अपनी शादी की अनाउंसमेंट करती हैं। वेल ये था हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।